हेलो सर, मेरा सवाल आपसे सर रिसेंटली नहीं सर आपसे ही है मेरा। हाँ, कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया और एक तबका है वो पूरी तरह से सेलिब्रेट कर रहा था कि कंगना को अच्छा किया कि थप्पड़ मारा गया, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी सेलिब्रेट कर रहा था, आप कैसे देख रहे हैं? सवाल आपसे। अरे पता सर, टीवी नहीं देखते भैया मैं किशन भैया। हाँ, आप मेरे से एक महीना पहले भी मिल चुके, तब भी मैंने बोला था। हाँ, मुझसे ज़्यादा चूतिया आपको पूरे फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो मैं फिल्म देखता हूँ, ना टीवी देखता हूँ, ना OTT देखता हूँ, ना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, और ना ही न्यूज़ चैनल देखता हूँ, और मैं सुखी आदमी हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बेवकूफ आदमी हूँ, मुझे पता नहीं। आप अगर कल आप कोई एयरपोर्ट में आप चले जाते हैं और आपके बातों को लेकर कोई अगर नाराज भी रहता है तो हाँ, अगर वो कोई थप्पड़ मारता है हाँ, तो वो क्या वो सही है? क्योंकि एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैंने किस तरह, बिल्कुल आपके हर प्रश्न का एक बात ध्यान रखिए, जब आप मेरे सामने, मैं आपके हर प्रश्न का सम्मान करूंगा, हर प्रश्न मेरे लिए सम्मान। आपकी जगह, मीडिया की जगह पर कोई आम व्यक्ति भी मुझसे प्रश्न पूछता, आपके प्रश्न का सम्मान, उसी तरह से आप मेरे उत्तर का सम्मान कीजिए। अगर मैंने कोई ऐसी बात कही है तो सबसे पहली बात, अन्नू कपूर बेकार की बात करता नहीं है, तो संभव। उसके बावजूद किसी ने अगर मुझे थप्पड़ मार दिया तो मैं पूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरूंगा। अगर वो वर्दी पहना है तो मैं उसको थप्पड़ मारूंगा तो मेरे ऊपर बड़ा अपराध लग जाएगा, उस वक्त तो मैं थप्पड़ खा लूंगा, लेकिन उसके बाद तो फिर मामला सरकारी हो जाएगा ना, उसको उस व्यक्ति ने जिसने आक्रमण किया है उसको पूरी दंड की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और उसको मैं सुप्रीम कोर्ट और मतलब प्रेसिडेंट हाउस तक नहीं छोड़ने वाला। सर, एक जो सोसाइटी का एक सेक्शन है वो सेलिब्रेट कर रहा है कि कंगना जी को स्लैप मारा गया। ये कंगना जी कौन है? मुझे बता दो भाई, प्लीज प्लीज बताओ ना, आप कौन है? जाहिर है आप पूछ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी हीरोइन होंगी। yes, सुंदर हैं क्या? सुंदर हैं। अच्छा, ओहो वो भी हो गई। yes, बाबा अभी तो बहुत शक्तिशाली हो गई है। तो कि एक सुंदर हैं, हैं तो हमें वैसे उनसे जलन हो रही है क्योंकि हम तो बहुत भद्दे और सुंदर आदमी हैं, और उसके बाद वो तो पावरफुल हैं, ठीक है। और ये आप कह रहे हैं कि किसी ऑफिसर ने उनको थप्पड़ मार दिया, तो उनको पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, डेफिनेटली उसके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर उसने वर्दी नहीं पहनी है, वर्दी पहनी थी कि नहीं पहनी थी? पहनी थी। हाँ पहनी थी। इन्होंने जो इनका नाम कंगना जी ने हाथ उठाया कह नहीं उनके ऊपर? नहीं, बस फर्स्ट क्लास है, उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाके FIR दर्ज करनी चाहिए, कम से कम 4 धाराएं लगेंगी उस और जिसके ऊपर। शैलेश, और शायद हम लोग हमारे 12 के लिए बात करें। किशन 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 हेलो। राहुल राहुल हेलो। नहीं, हालात कुछ सरदार जी, सर हालात, एक व्यक्ति ने बगैर किसी कारण से किसी को थप्पड़ मार दिया, यह अपराध है। अरे इतने सारे लोग बैठे हैं सर, हमारे बारे में बात करो। मैंने पॉपुलेशन अवेयरनेस की बात की, हमारे राइटर राजन अग्रवाल जी हैं जिन्होंने ये लिखा है स्क्रिप्ट, इनसे पूछिए कि इतनी अच्छी प्यारी स्क्रिप्ट इन्होंने लिखा है। हेलो हेलो हेलो, मेरा एक सवाल है। हेलो राजन जी से नेक्स्ट। हेलो मैं, अरे भाई उनको भी तो पूछना, भैया नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी हाँ बोलो। मैं सबसे पहले हमारे 12 के सभी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कैरेक्टर्स को बधाई का पात्र बोलता हूँ। आपने बहुत ही अच्छा मैसेज पहुँचाया, और मीडिया फ्रेंड्स से मैं एक मीडिया होने जर्नलिस्ट होने के नाते सभी को बोलूँगा, एक अच्छा मैसेज आप लोग भी पहुँचाओ मीडिया के द्वारा कि ये पिक्चर सभी लोग देखें, पैसे ज्यादा हो कम हो लेकिन घर घर मैसेज जाना चाहिए कि फैमिली छोटी हो, बढ़िया हो और खुशहाल हो और बहुत बढ़िया हो। क्या बात, थैंक यू वेरी मच। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर घर। अभी अभी राहुल कुछ बोलेंगे। हम राहुल भाई हम तो हमारे 12